जय जानकी। सभी मिथिलावासी को डीटी का राम राम। आज हम बात करेंगे जो शीतल की। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिहार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए पुरातन त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे कई समुदाय हैं जो अलग प्रकार से अपने त्योहार मनाते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वह अपनी परंपरा से बहुत ही मन से जुड़े हुए हैं। इसी परंपरा का एक भाग है मिथिला का परंपरागत त्योहार जुड़शीतल, जो कि नए साल का आगमन होता है। जुड़शीतल मैथिली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह एक प्रकार से मैथिली नव वर्ष होता है और इस वर्ष पर दोस्तों रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दी जाती है। बिहार के मिथिला में विशेष रूप से यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जुड़शीतल का काफी ज्यादा महत्व होता है। पारंपरिक पंचांग के अनुसार यह है नए वर्ष का पहला दिन माना जाता है, जिसके अनुसार भारत और नेपाल के मैथिली समुदाय नया वर्ष मनाते हैं। रबी की फसल की कटाई की खुशी में किसान बैसाखी का पर्व मनाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मिथिला में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन गुड़ और सत्तू के साथ ऋतु फल और पानी से भरे हुए घरों का दान किया जाता है। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के सिर पर जल का छोटा देते हैं और साथ ही पेड़ पौधों की सिंचाई भी की जाती है। घरों में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर इसका आनंद लेते हैं। जुड़शीतल फेस्टिवल की शुरुआत। जुड़शीतल फेस्टिवल की शुरुआत बड़े बुजुर्गों के द्वारा अपने परिजनों के सिर पर शीतल जल डालकर की जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ अधिक से अधिक जल सेवन किया जाता है और ध्यानाकर्षित करने के लिए कादो माटी अर्थात कीचड़ मिट्टी का खेल खेला जाता है। इस त्योहार के आरंभ से ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी आरंभ कर दिए जाते हैं। लोग एक दूसरे के शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगाती है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के लेप से तीखी धूप के कारण बढ़ने वाले त्वचा रोग से बचाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद आचार्य के अनुसार भी तालाब नदी की तलहटी की मिट्टी का लेप त्वचा पर लगाने से पुराने त्वचा रोग से मुक्ति मिल जाती है। यह परंपरा से जलाशयों की संभाल का भी संदेश मिलता है। इस त्योहार से एक दिन पहले रात के समय बर्तनों में पानी भर लिया जाता है, ताकि गर्मी में पानी की किल्लत ना हो। फेस्टिवल के दिन धूल के गुब्बार से बचने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसका क्रम पूरे महीने तक लगातार चलता है। जुड़शीतल में छोटे पौधों से लेकर बड़े वृक्षों तक से पानी डाला जाता है और तुलसी के पौधे पर तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इससे यही संदेश लोगों तक पहुंचता है कि पेड़ पौधों का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह एक पारंपरिक फेस्टिवल है जो कि पर्यावरण के लिए भी समर्पित है। जुड़शीतल त्योहार के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। मैथिली समुदाय द्वारा यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। जो जुड़शीतल के दौरान मिथिला में चूल्हा नहीं जलाया जाता। त्योहार के एक दिन पहले यानी सतुवानी की रात को तैयारी आरंभ कर दी जाती है। सतुवानी की रात को बड़ी बात का प्रसाद तैयार करते हैं और अपने इष्ट को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह भोजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाया जाए और अगले दिन भी इसी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि चूल्हा जलाने की जरूरत ही न पड़े। इस परंपरा को लोग बिस्या पविन भी कहते हैं। यदि चूल्हे पर कुछ रखना भी है तो चूल्हे पर दही बासी बड़ी एवं भात चढ़ाने की परंपरा है। इस त्योहार की शुरुआत भयंकर गर्मी में होती है, इसलिए इसके स्वागत के लिए बड़े बुजुर्ग सुबह सुबह छोटों के सिर पर बासी जल देकर शीतलता के साथ जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं, ताकि वह हर समय ठंडे स्वभाव वाले बने रहे। इस दिन साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है और पूरे मार्ग की सफाई की जाती है। सड़कों पर जल का छिड़काव करना भी अनिवार्य माना जाता है। जुड़शीतल के अवसर पर भारतीय भोजन करने की परंपरा है, इसलिए इसका पालन सभी लोगों द्वारा किया जाता है। अर्थात भोजन रात में ही तैयार कर लिया जाता है और उसी का इस्तेमाल जुड़शीतल के दिन किया जाता है, ताकि किसी भी कारण से घर का चूल्हा न जलाना पड़े। यह उनकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस त्योहार में बड़े बड़े मिलजुल कर रहने का आशीर्वाद देते हुए हर्षोल्लास से त्योहार मनाते हैं। जय जानकी, जय मिथिला।